Okay, guys, you have to eat your mom food and your dad food. Dad, get another food. Sorry. Still drive me crazy. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. हमें उठे हुए काफ़ी समय हो चुका है ऑलरेडी. हमने योगा कर लिया है, 30-35 मिनट स्पेंड किए हैं मैंने और मेरे हस्बैंड ने योगा करने के लिए. जब आप योगा करते हैं किसी पार्टनर के साथ तो आप ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं. मुझे लगता है कि जब आप वर्कआउट किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है. सो नीचे आके हमने चाय ऑलरेडी पी ली है. उसके बाद हम फ़ोन पर बिजी हो गए थे बातचीत करने में घर वालों के साथ. और हेलो दोस्तों, तो हिम्मत वांट्स टू से समथिंग. मिमी 10 बजे गाइस, दिस कार वाज आउटसाइड. डोंट गो आउटसाइड एंड वी स्टे इनसाइड आवर हाउस एंड यू हैव टू वेयर मास्क ग्लव्स देन यू कैन गो आउटसाइड. बट यू हैव टू क्लीन स्टफ देन यू नीड टू गो शॉपिंग एंड पुट काउंटर थिंग्स देन क्लीन विद वाटर. दैट्स इट. That's it. और अब मैंने सोचा कि व्लॉग कर लूँ. पिछले काफ़ी समय से मैंने कई सारे दिनों को थोड़ा थोड़ा सा शूट किया है. पता नहीं वो मैं इस व्लॉग में ऐड करूँगी या नहीं, पर कोशिश कर सकते हैं. अराउंड 15 दिन पहले हिम्मत के स्कूल में मूवी टाइम था और अब उसका कोई मैच नहीं हो रहा क्योंकि कहीं पे भी इतने बंदे इकट्ठे गैदरिंग नहीं हो रही है. पर या मैं और हिम्मत और इसके डैड मूवी देखने गए थे उसके स्कूल में. फ्रोजन 2 दिखाई गई थी. मैं उसके थोड़े से क्लिप्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ. Guys, look at my PJs! And there's a pillow, blankie, and this is the blankie that put down. And daddy is coming, and it's movie night at my school! And your daddy's not coming, Mimi. Daddy, can you please come for us to the movie? Mimi, I watch only Punjabi movies. I don't understand that movie. Daddy, let's go. These are for girls movie. It's okay. What's wrong with you? हेलो दोस्तों, तो आज है हिम्मत के स्कूल में मूवी नाइट जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. उसके डैड ने जाने के लिए मना कर दिया था पर उसने अपने डैड को मना लिया है लोलो पोचो करके. उसने कहा है कि सबके डैडी आएंगे, तुम भी आ जाओ ये वो. पर एक्चुअली सच क्या है कि वो चाहता, वो कह रहा था कि जो डैडी नहीं आंदा ना सही. मैंने उसे ये चीज़ें सिखाई और उसने वो सेम बोल के डैडी को मना लिया है. अब डैडी घर पहुँचे ही थे तो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए अपस्टेयर चले गए. हमारा सामान वहाँ पे रेडी है. हम लेके जा रहे हैं बिछाने के लिए नीचे ब्लैंकी, ऊपर लेने के लिए ब्लैंकी एंड पिल्लो. एंड देखते हैं हमें कितना मज़ा आता है क्योंकि जब पिछली बार मूवी नाइट थी तब हिम्मत को इतना मज़ा नहीं आया था और मन वो कह रहा था चलो घर चलते हैं. पर आज वो बहुत कम्फी बन के जा रहा है. यू कैन सी उसने पीजे पहना है. सो ही इज़ वेरी नाइस एंड कम्फी, वेरी एक्साइटेड फॉर हिज मूवी. एंड वी ऑल्सो ऑर्डर्ड स्नैक पैक्स फ्रॉम स्कूल. So we're gonna get pizza and cookie and chips and drink. So we're gonna get 2 packs, one for Mimi, one for mommy daddy. So yes, we are very excited for this movie and they are showing the movie Frozen. Actually it's for girls but it's okay, we like it. Yeah Mimi, actually me and Mimi already watched it but school ke mahol mein alag se maza aayega nahi. So hum bahut zyada excited hain, daddy ki wait kar rahe hain. डैडी आएंगे, जावांगे. ऑलरेडी लेट हो गए मन लगा. सानू दूर जगह मिल गया. मैं तुम दिखाऊंगी कि कितने जगह मिल दिया. जब इसके डैड अपस्टेयर्स गए तैयार होने के लिए तो उनको देखने के लिए चला गया. बोल रहा था कि ऊपर जाके कह रहा था कि मुझे उस पर आँख रखनी पड़ेगी. आई हैव टू कीप एन आई ऑन हिम कि ज़्यादा देर मत करा दे. वो बहुत सियाना बंदा दोस्तों है. ओके सो जब तक हिम्मत के डैडी रेडी हो रहे हैं, मैंने अभी ये वीडियो अपलोड की है कि हाउ आई स्पीड क्लीन व्हेन आई फील सिक. उस पर हम कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हैं और मोस्टली सारे कमेंट्स के रिप्लाई हो चुके हैं. यू रेडी नाउ? डैडी यू लुकिंग वेरी हैंडसम. वेरी मच हैंडसम. वेरी मच हैंडसम. ओके पहुंच गए स्कूल. हाय मीमू. Thank you.
सो यस ये थी मूवी नाइट. अच्छा मज़ा आया हमें और हिम्मत को बहुत मज़ा आया. लाइक घर के कपड़े पहन के जाना, ब्लैंकी लेके जाना और पिल्लो, और उससे बहुत इन्जॉय किया. सो यार आज कोशिश करेंगे कि आज का दिन शूट कर लें और आपके साथ शेयर करो. बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तुम कहाँ पे हो, व्लॉग अपलोड करो. और यस, मुझे इस समय पे ज़्यादा व्लॉग अपलोड करना चाहिए पर बिकॉज सारा जो रूटीन है गड़बड़ा गया है, तो यू नो सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं. हम नॉर्मल रूटीन में नहीं है और मैं शूट नहीं कर रही हूँ, एडिट नहीं कर रही हूँ, हस्बैंड की सेवा कर रही हूँ और या ऐसे ही है. पर हम लोग बिल्कुल सेहतमंद हैं, सब कुछ सही है. और बहुत थैंक्स आपका जिसने भी मुझे मैसेजेस किए कि तुम्हारी सेहत कैसी है. हमारी सेहत अच्छी है और या दैट्स इट. कैरी ऑन करते हैं दिन के साथ, देखें हम आज क्या क्या करेंगे. सो यस, लेट्स डू दैट. ओके, हिम्मत वेट कर रहा है अपने दोस्त के वीडियो कॉल की. फ़ोन को पोजीशन में रख के वेट कर रहा है कि कब कॉल आएगी और बहुत एक्साइटेड उससे बात करने के लिए. ओके दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम खाने वाले हैं मिस्सी रोटी. कल डिनर पे मैंने दाल बनाई थी तो उस दाल को वेस्ट नहीं करते हुए मुझे मिस्सी रोटी बनाना बहुत अच्छा लगता है. ये बहुत डिलिशियस बनती है और पौष्टिक है. सो मिस्सी रोटी का ब्रेकफास्ट होने वाला है. सो मैं बाहर आई हूँ और बहुत ज़्यादा शांति है. सारे स्टोर्स खाली हैं, डॉक्टर किसी को देख नहीं रहे हैं. मुझे हस्बैंड का प्रिस्क्रिप्शन पिक करना था पर शी सेड वो डोर नहीं खोल सकती और उन्होंने फार्मेसी में सीधा भेज दिया है. एंड नाउ आई एम गोइंग फार्मेसी. हिम्मत और उसके डैडी ने सेल्फ आइसोलेशन से एंटरटेनमेंट लाभ लिया अपना. ओके अब बारी आती है थोड़ा सा फ्रूट्स खाने की. और यस, हम खाएंगे फ्रूट्स. ओके, थोड़ा और बैक स्टोरी में जाते हैं. जब हिम्मत का लास्ट डे था स्कूल से, उसकी मार्च ब्रेक होने वाली थी. सो मुझे लगता है कि अराउंड 10 days पहले की हिम्मत की मार्च ब्रेक शुरू होने वाली थी. और लास्ट दिन में हिम्मत को कोल्ड हो गया था थोड़ा, और कोई सिम्टम नहीं था पर कोल्ड था और थोड़ा कफ भी कर रहा था. सो हो, मुझे लगता है कि हिम्मत से हस्बैंड को भी हो गया पर उनका जो सोर थ्रोट है या कफ है थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो गया. तो हम लोगों को चिंता होगी, जैसे सभी को हो रही होगी आजकल. कोरोना के सिम्टम्स और ये सारे सिम्टम्स बहुत मैच कर रहे हैं. तो फिर हस्बैंड चले गए सेल्फ आइसोलेशन में. या उन्होंने अपने डॉक्टर के साथ बात की. डॉक्टर ने कहा कि तुम सो डॉक्टर ने कहा कि अपने आप को आइसोलेट कर लो. सो एक्चुअली क्या हुआ कि हस्बैंड कॉन्टेक्ट में आए थे किसी के जो ओवरसीज ट्रेवल करके आया था. तो सारी चीज़ें मैच हो गई और शंका काफ़ी बढ़ गई. तो हस्बैंड चले गए सेल्फ आइसोलेशन में और जिसकी वजह से घर का माहौल अजीब सा हो जाता है. यू नो वो उनकी टेक केयर कर रहे हैं, हम लोग बहुत अजीब तरीके से अपने आप को बचाते हुए. सो मैं व्लॉग नहीं कर पाई. और फिर जब हस्बैंड की डॉक्टर के पास जाने की अपॉइंटमेंट आई तो उन्होंने हस्बैंड को चेक किया. सो उनके सिम्टम वैसे तो स्केरी नहीं है पर फिर भी डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि 14 दिन घर से बाहर नहीं जाएं, घर में ही रहें. कि हमारे यहाँ पे मोस्टली चीज़ें लॉकडाउन हो चुकी हैं, सारे लोगों को कहा गया है कि घर पे ही रहें. और हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है घर पे रहना, पर नॉर्मल नहीं है क्योंकि मेरा भी रूटीन है. मैं वीडियोज़ शूट करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें करती हूँ. हिम्मत को तैयार करके स्कूल भेजना, हस्बैंड के लिए काम करना, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी. और अब और मैं शूट भी नहीं कर पाई. मेरे पास वीडियोस एडिटेड भी थी पर मैं वो अपलोड नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो इस समय के साथ रेलिवेंट नहीं लग रही मुझे. मैंने सोचा कि फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, वही चीज़ों को लेके बातचीत करनी चाहिए. कोई पुरानी कैसे अपलोड कर दूँ मैं. या यहाँ पे सिचुएशन पता नहीं अच्छी तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं अच्छी दुनिया में. हर जगह सिचुएशन बहुत बुरी है और सिचुएशन को देख के, न्यूज़ को देख के इतना ज़्यादा स्केरी लग रहा है. और ऐसे लगता है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं कि ये किसी मूवी का सीन है, क्योंकि दुनिया के हर एक कोने कोने से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं जैसे किसी मूवी में आती हैं. और finished, the movie finished. और एक नाइटमेयर के जैसे चल रहा है जीवन.
आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छी जल्दी सारी चीजें फिनिश हो जाएं क्योंकि जो भी इस समय सिचुएशन है दुनिया की अच्छी नहीं है. एक्सक्यूज मी. सो इस समय में सबसे अच्छा हमारे लिए है कि घर में रहें और डिस्टेंसिंग बना के रखें लोगों के साथ और बाहर बिल्कुल मत जाएं. वैसे तो अभी बहुत अच्छा हमें लगा कि इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है जो हमें बहुत ज़्यादा बचाने में मदद करेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम हैं यूरोप के, इटली के, और उसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है. वो भी अपने घुटनों के बल बैठ गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में इमरजेंसी केसेस को नहीं डील कर सकता है कोई भी देश. सो बहुत ज़्यादा स्केरी सिचुएशन है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा स्केरी है. सो सबसे अच्छा है कि आप घर पर रहें, सेफ रहें, स्पेशली पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान. आप लोगों को बहुत बच के रहना है क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और हेल्थ सिस्टम का हमें पता ही है. मैं पहला गल गल फिर तू दिखा दी. ओके हिम्मत आपको ये दिखाना चाहता, पता नहीं क्यों ने बनाया है. इट्स अ प्लेन. ओके हिम्मत ने अपने घर वाले समय को यूटिलाइज किया एक प्लेन बनाने में जिसपे उसने अपना नाम लिखा है हिम्मत एयरलाइन. और ये उसने मास्क भी पहना दिया और बंदे बहुत बैठे हैं बीच. सो बिकेज अब हम और ट्रैवल कर नहीं सकते तो हिम्मत का जहाज लेके कहीं पे भी जा सकते हैं. ठीक है. ओके जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उनको फॉलो करें, वो हमारे भले के लिए ही. और अपना ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा स्केरी है. सो या अपना मैसेज मैंने दे दिया आपको, अब हम देखते हैं क्या करेंगे. हाँ हमारे यहाँ पे बजे हैं 6 और घर में रह रहे के बोर तो हो गए हम लोग और सेम खाना खा खा के भी हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे हैं. इवन टेक अवे डिलीवरी कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहे क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है. और सो कर द फूड खा खा के हम हो गए बोर. अब मैं बनाने वाली हूँ चाय. सो हस्बैंड भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देंगे पर कुछ ही देर में. ओके दोस्तों हस्बैंड भी आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं पर वो कुछ ही देर में देंगे. कह रहे कि मैं चाय पी के जब मैं कड़क होऊंगा तादी मैं दूंगा. गाइस हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेहमान आया है जो कि माहिर है कोरोना वायरस के सिम्टम्स का, वो आपको बताएगा. जफिया नहीं पानी अलाउड है यार, तू इतने गेस्ट का आया हमें. यू आर गेस्ट, यू आर डॉक्टर हिम्मत. सो डॉक्टर हिम्मत आपके साथ शेयर करेंगे. आई एम नॉट डॉक्टर हिम्मत, आई एम मिमी. मिमी ओके डॉक्टर मीमी आपसे कोई शेयर करेंगे. ओके गाइस द वायरस इज डेंजरस, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एंड डोंट लव एनीबॉडी, देन यू डोंट नो दैट दे हैव कोरोना वायरस. डोंट लव एनीबॉडी बिकॉज़ यू डोंट नो इफ दे हैव कोरोना वायरस. And no pookie, then they have coronavirus. And don't go outside. And don't go outside, then there's coronavirus. Okay, okay. Okay, guys, you have to eat your mom food and your dad food. Dad, get another food. Sorry. But first, how food? Maybe some daddy's not like your daddy comes to. Maybe they're making food. You never know. Yeah, good idea. Okay. Okay, guys, your mom, then your mom make food. Wash your hands, then eat. आप आ गया मैं डैडी आ मॉम कर लिया. नो नो आई टेल देम टुमारो वी आर शूटिंग अ बैटल वीडियो. ओके गाइस आई नो माय डैडी इज सिक बट वी वांट टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड माय वीडियोस एंड माय चैनल एंड यू एंड वी वांट देन एंड आई मेक एंड माय एंड आई एंड वेट 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 कोन व्हाई वाज आउटसाइड यू प्ले बट व्हाट इज कोन व्हाई वाज कमिंग. You have to get stuff quickly and get stuff at shopping now, okay? कह रहा है कि अगर आपके घर में कोई राशन ग्रोसरी खत्म है तो जल्दी से जाके ले आओ इससे पहले कोरोना वायरस ज्यादा फैल जाए. Okay, now we make it. Okay, goodbye guys. Goodbye, I'm going. Bye, HIMMAT. Bye. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में. अब हम बनाएंगे चाय. चाय की जो रेसिपी है मेरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेसिपी मैं यूज़ करती हूँ. हम यूज़ करते हैं जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट जिसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली एंड ग्रीन चिली. यस और ये जो चाय बनती है बहुत ही अच्छी बनती है. Okay.
ओके सो डिनर के लिए हम खाने वाले हैं पिज्ज़ा. पिज्ज़े के लिए मैंने डो घर में बनाया है जो पहली बार बनाया है. इसमें मैंने ईस्ट नहीं डाला है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है जिसकी वजह से ये थोड़ा थिन क्रस्ट बनेगा. पर बहुत एक्साइटेड है. अब हम बनाएंगे पिज्ज़ा सॉस जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैरिनेरा पास्ता सॉस क्योंकि मेरे पास सो हिम्मत पिज्जा रेडी. देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. क्रस्ट थोड़ी थिन बनी है क्योंकि मैंने ईस्ट नहीं डाला है. सो यस, अब पिज्जा अंदर जा चुका है डैडी का. ओके दोस्तों, तो हिम्मत खा रहा है पिज्जा. ही नीड टू गिव सम रिव्यूज. मेरी मम्मा ने पिज्जा कितना बनाया, बढ़िया बना. ओके तो शेयर करेगा किसे ना, ये सारा खुद खाएगा. ऑल ऑफ देम. यू गॉट टू ईट ऑल ऑफ देम. इट्स जस्ट लाइक डोमिनोज आई गेस. ओके सो हियर इज डैडीज पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी विद हिज फेवरेट वेजीज. एंड डैडी ने अपना बनाया है अपने इंडियन स्टाइल में. उन्होंने जिंजर डाला है और धनिया और पता नहीं क्या क्या. सो यस दैट्स ऑलमोस्ट रेडी. एक्साइटेड है डैडी ट्राई करने के लिए. और देन बनेगा लास्ट बैच. दिस इज एडिटिंग क्रेजी एंड क्रस्टी मी. वीडियो को एडिट करी थी तो हमेशा की तरह मैंने पाया कि मैंने मेरी वीडियो का आउटरो शूटिंग किया है. तो मैंने सोचा यहाँ पे आऊँ और दो चार बातें कह दूँ प्यारी सी जो कि मैं बहुत ही गुणकारी हूँ बताने के लिए. वो ये है कि आई होप आपने ये ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को देख पाएंगे. और मैं जल्दी ही नई वीडियो अपलोड कर दूँगी होपफुली. और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें क्योंकि जब मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाती हूँ तो मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ अपलोड कर देती हूँ और फिर हम ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं. या सो दैट इज़ इट. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फिटिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे होम एंड स्टे सेफ. आई लव यू गाइस सो मच.